रोड पर दौड़ रही थी रोडवेज कि अचानक बस में गूंजने लगी किलकारी। चलती बस में बेटी को दिया महिला ने जन्म। दिल्ली से घर जा रही थी महिला, लेकिन रास्ते में ही होने लगी परेशानी और फिर रोडवेज बस में ही खुल गया अस्पताल। कोई यात्री महिला बनी दाई तो किसी ने दर्द से कराहती महिला का सिर गोद में रखा और कुछ देर की मेहनत के बाद गूंज उठी किलकारी। बस ड्राइवर और कंडक्टर ने भी दिया पूरा साथ, सवारियों ने भी नहीं छोड़ी हिम्मत, अस्पताल के लिए मोड़ दी बस, लेकिन पहुंचने से पहले भर गई गोद। रोड पर बस सरपट दौड़ जा रही थी, सभी अपने गंतव्य पर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे कि अचानक बस में हंगामा खड़ा हो गया। कोई नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो गया है, लेकिन जब बस ड्राइवर और कंडक्टर को पता चला कि एक महिला प्रसव पीड़ा से परेशान है तो सबके हाथ पांव फूल गए कि आखिर अब क्या किया जाए। लेकिन फिर जो चमत्कार हुआ उसने तो हर किसी को हैरान कर दिया। बस में सवार महिला सवारियों ने मोर्चा संभाला, किसी ने दाई का रोल संभाला तो कोई माँ की तरह परेशान महिला के सिर को गोद में रखकर उसको संभाल रही थी। अन्य महिलाएं भी अपने अपने तरीके से मदद कर रही थी। इधर कंडक्टर ने ड्राइवर को निर्देश दिया कि जो भी नजदीकी अस्पताल हो उसके पास बस को लेकर चलो। बस दौड़ रही थी और सब भगवान से दुआ कर रहे थे कि बस अब सब आपके हाथ में है। बस जब तक अस्पताल पहुंची तब तक बस में किलकारी गूंज रही थी और सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। प्रसव पीड़ा झेल रही महिला ने बेटी को जन्म दिया तो बस ड्राइवर और कंडक्टर भी खुश दिखे। आपको बता दें कि यूपी के अलीगढ़ में चलती बस में महिला ने नवजात शिशु को जन्म दिया। इस दौरान रोडवेज बस में सवार 54 यात्री, ड्राइवर और कंडक्टर का परिवार की तरह सहयोग मिला। गर्भवती महिला पति के साथ दिल्ली से आजमगढ़ के संगड़ी इलाके को जा रही थी। जेवर टोल प्लाजा के बाद प्रसव पीड़ा हुई। इस दौरान ड्राइवर और कंडक्टर को स्थिति बताई गई। ड्राइवर ने बस तेजी से सरकारी अस्पताल की तरफ दौड़ाई। बस में मौजूद एक महिला ने प्रसव के दौरान पूरी तरह मदद की और बस के अंदर ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। इस दौरान बस टप्पल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ ने माँ और बच्चे को अस्पताल में सुविधा दी। माँ और नवजात शिशु को 2 घंटे अस्पताल में रेस्ट कराने के बाद पूरी सवारियों को बस से आजमगढ़ के लिए रवाना किया गया। आनंद विहार बस अड्डे पर शशिकला और पवन अपने गांव आजमगढ़ जाने के लिए शाहगंज डिपो की बस में सवार हुए थे। शशिकला 7 महीने की गर्भवती थी। बस यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल प्लाजा पर पहुंची तो शशिकला को दर्द का एहसास होने लगा। वहीं जेवर टोल प्लाजा पार करने के बाद शशिकला की हालत गंभीर होने लगी। उस समय रोडवेज बस में 54 यात्री सवार थे जो आजमगढ़ के लिए जा रहे थे। कंडक्टर बालकृष्ण चौबे ने शशि को बस के अंदर सीट पर आराम से लेटने के लिए जगह कराई। वहीं चालक को बताया कि रास्ते में जो भी पहला नजदीकी अस्पताल पड़े बस को वहां लेकर चलिए। इस दौरान गाड़ी के यात्रियों ने पूरा सहयोग किया। गाड़ी के ड्राइवर अनुज ने सीधे टप्पल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए बस को मुड़ा लिया, लेकिन बस में ही शशिकला को प्रसव पीड़ा बढ़ गई और रोडवेज बस में ही ललिता नाम की महिला ने प्रसव कराने में मदद की। हालांकि रोडवेज बस जब टप्पल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची उससे पहले ही अस्पताल के गेट पर शशिकला ने बच्ची को जन्म दे दिया। ये घटना अब पूरे यूपी में चर्चाओं में है। जहां लोग महिला को बधाई दे रहे हैं तो वहीं बस में सवार यात्रियों और कंडक्टर और ड्राइवर की भी लोग तारीफ कर रहे हैं, साथ ही नवजात बच्ची का भविष्य उज्जवल हो इसकी कामना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।